हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज की डेट है 5th ऑफ जनवरी 2023। तो आज की डेली करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम देखेंगे। लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो। तो पहला क्वेश्चन, सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? आराध्या नील, राधा सिरी, नीलिमा चौधरी, शिवा चौहान। तो शिवा चौहान बनी है पहली महिला अधिकारी जो सियाचिन में तैनात होने जा रही है, तकरीबन 15,000 फीट के ऊपर सियाचिन। मुख्यमंत्री आवासीय भूमि योजना, भूमि अधिकार योजना का शुभारंभ कहाँ पे हुआ है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो ये शुरू हुआ है मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री आवासीय भूमि अधिकार योजना का शुभारंभ हुआ है, और ये योजना के तहत जो है भूमिहीन लोगों को घर बनाने के लिए फ्री में प्लॉट दिया जाएगा। तो बेसिकली जिनके पास घर नहीं है उनको फ्री प्लॉट दिया जाएगा। भारत पे ने सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया है? नलिन नेगी, सुहेल चौहान, अश्नीर ग्रोवर, कोई नहीं। तो नलिन नेगी है जो भारत पे के पहले कौन थे, सीएफओ थे, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। तो अभी वही सीईओ बने हैं, और पहले सीईओ कौन थे, सुहेल चौहान, लेकिन इन्होंने रेजिग्नेशन देने के बाद नलिन नेगी को चुना गया। हाल ही में साड़ी महोत्सव विरासत जो है वो कहाँ पे शुरू हुआ है? अहमदाबाद, सूरत, मुंबई, नई दिल्ली। तो ये शुरू हुआ है नई दिल्ली में। नई दिल्ली में, तो नई दिल्ली में साड़ी महोत्सव विरासत जो है वो शुरू हुआ है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ पे संविधान उद्यान का उद्घाटन किया है? राजगढ़, जयपुर, दिल्ली, नागपुर। तो जयपुर जो है राजस्थान की राजधानी, यहाँ पे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संविधान उद्यान का उद्घाटन जो है वो किया है। भारत अपनी पहली अपशिष्ट से हाइड्रोजन परियोजना कहाँ पे स्थापित करेगा? पुणे, हैदराबाद, भोपाल, जयपुर। तो भारत जो है पहली अपशिष्ट से हाइड्रोजन जो है वो, ये परियोजना जो है पुणे में होने वाली है, पुणे महाराष्ट्र में। तो बेसिकली ये क्या होता है, कचरे से हाइड्रोजन निर्माण करेंगे। तो पुणे नगर निगम एंड द ग्रीन बिलियंस के साथ कचरे का उपयोग करेगा और इस प्रयोग करने का योग्य ग्रीन हाइड्रोजन में परिवर्तन करेगा। तो बेसिकली कचरा टू हाइड्रोजन ऐसा है। तो ये पहली बार पुणे में शुरू करने वाले हैं परियोजना। हाल ही में कैसे राज्य में, कौन से राज्य में, सॉरी ये मैंने गलत डाली हो, कौन से राज्य में सुखाश्रय सहायता कोष की शुरुआत जो है वो हो गई है? मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, छत्तीसगढ़। तो हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में सुखाश्रय सहायता कोष की शुरुआत जो है वो हो गई है। देखो दोस्तों, आजकल योजनाएं बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे योजनाएं आते हैं तो बच्चे भी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो योजना भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कॉन्सेंट्रेट कीजिए वो चीज़ पे भी। तो सुखाश्रय सहायता कोष जो है ये कहाँ पे शुरू हुआ है, हिमाचल प्रदेश में। जनवरी 2023 में गान नगाई उत्सव कौन से राज्य में मनाया जाता है? आसाम, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा। तो ये मनाया जाता है मणिपुर में, मणिपुर में। तो ये हर साल एनुअली मनाया जाता है, हर साल मनाया जाता है गान नगाई उत्सव जो कि मणिपुर में मना। हाल ही में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ईशा करावड़े, तानिया सचदेव, द्रोणवल्ली हरिका, सुंदरमन राममूर्ति। तो इसका जवाब है सुंदरमन राममूर्ति। तो सीईओ और एमडी कौन बने हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के? सुंदरमन राममूर्ति। तो पहले आशीष चौहान थे जिन्होंने जून में ही उनका खुद का रेजिग्नेशन दिया था, तब से ये सीट जो थी खाली थी। तो अभी कौन नियुक्त हुए हैं, सुंदरमन राममूर्ति। तो इन्होंने 4 जनवरी से एक्सचेंज के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में शामिल हुए हैं। इन्होंने 5 ईयर्स के लिए अभी सिलेक्ट हुए हैं। तो ये पद जो है जुलाई 2022 से खाली था, क्योंकि तब आशीष कुमार चौहान ने इस्तीफा दिया था। तो अभी नए कौन बने हैं एमडी एंड सीईओ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के? सुंदरमन राममूर्ति। हाल ही में क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने किस फुटबॉल क्लब के साथ 2.5 साल का अनुबंध किया है? क्लब ब्रुक केवी, मॉन्ट्रियल इंपैक्ट, अल नसर,
स्टेट डी रैम्स। तो इसका सही जवाब है क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो है फुटबॉलर, तो इन्होंने अल नसर ये फुटबॉल क्लब के साथ 2.5 ईयर का अनुबंध जो है वो किया है। तो पहले ये मैनचेस्टर यूनाइटेड क्लब में थे, तो इन्होंने ये क्लब छोड़ा है हाल ही में, मैनचेस्टर यूनाइटेड क्लब। तो इससे पहले रियल मैड्रिड क्लब के साथ वो जुड़े थे। और कतार में जो फीफा 2022 हुआ था, उन्होंने एक गोल किया और विश्व कप में कुल मिलाकर 15 गोल किए हैं उन्होंने। तो फीफा के बारे में अगर मैं बात करूँ तो कतार में हुआ था, फ्रांस और अर्जेंटीना में फाइनल हुआ था, फ्रांस अर्जेंटीना में फाइनल हुआ था, तो फ्रांस जीता था, और सॉरी रॉन्ग, अर्जेंटीना जीता था, लेकिन गोल्डन बूट कीपर जो है वो फ्रांस का प्लेयर है, तो वो कौन सा है? काइली। तो इसको गोल्डन बूट जो है वो मिला है। हाल ही में राजनाथ सिंह ने सियोम पुल का उद्घाटन जो है वो कहाँ पे किया है? आसाम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड। तो ये है सियोम पुल। तो ये सियोम पुल जो है वो हमारा जो रोड का इंडस्ट्री है वहाँ से वो बिल्ड किया गया है। तो देखो ये कहाँ पे हुआ है? अरुणाचल प्रदेश में हुआ है, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश में हुआ है। ये है सियोम पुल और इसका उद्घाटन किसने किया है? हमारे मंत्री राजनाथ सिंह। हाल ही में कौन सा देश हाइड्रोजन संचालित ट्रेन शुरू करने वाला एशिया का पहला देश बन गया है? चीन, भारत, बांग्लादेश, जापान। तो चीन बन गया है हाइड्रोजन संचालित ट्रेन शुरू करने वाला एशिया का पहला देश। तो इससे पहले अगर हम पूरा वर्ल्ड में काउंट करें तो पहले जो हाइड्रोजन संचालित ट्रेन की थी वो की थी जर्मनी ने, जर्मनी ने 2022 में, सितंबर 2022 में। तो एक 5 महीने के बाद ही चीन ने जो है हाइड्रोजन संचालित ट्रेन शुरू करने वाला एशिया का पहला देश बन गया है। और हमारे जो रेलवे मिनिस्टर है अश्विनी वैष्णव, अश्विनी वैष्णव, तो उन्होंने भी बताया है कि शायद 2023 तक भारत भी अपना हाइड्रोजन संचालित ट्रेन जो है शुरू करने वाला है। तो चीन की जो CRRC कॉरपोरेशन लिमिटेड है, तो उन्होंने हाल ही में अपनी पहली हाइड्रोजन शहरी ट्रेन का अनावरण किया है, जो एशिया की पहली हाइड्रोजन ट्रेन है। हाइड्रोजन ट्रेन की अधिकतम गति जो है 160 किलोमीटर प्रति घंटा है और ईंधन भरने के बिना परिचालन सीमा 600 किलोमीटर है। और वही मैंने बताया ना, पहला जो है वर्ल्ड में जर्मनी है, सेकंड जो है चाइना है वर्ल्ड में, और एशिया की हम बात करें तो चाइना फर्स्ट है। किस राज्य सरकार ने राजस्व पुलिस व्यवस्था को खत्म करने का फैसला किया है? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब। तो उत्तराखंड जो है इन्होंने राजस्व पुलिस व्यवस्था को खत्म करने के लिए फैसला किया है। राजस्व गांवों को अब नियमित पुलिस प्रणाली के तहत लाया जाएगा, जिसका अर्थ ये है कि 1,800 राजस्व गांवों में कानूनन व्यवस्था राज्य पुलिस द्वारा संभाली जाएगी। तो पहले हर राजस्व गांव में जो है वो पुलिस व्यवस्था नहीं थी, तो अभी पुलिस व्यवस्था जो है पुलिस द्वारा सब कुछ पुलिस के द्वारा होगा, कानून व्यवस्था राज्य पुलिस द्वारा संभाली जाएगी। तो उत्तराखंड है जिन्होंने राजस्व पुलिस व्यवस्था को खत्म करने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ पे राष्ट्रीय जल और स्वच्छता संस्थान का उद्घाटन किया है? रायपुर, पुणे, कोलकाता, जयपुर। तो कोलकाता है, यहाँ पे प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रीय जल और स्वच्छता संस्थान का उद्घाटन जो है वो किया है कोलकाता में। किस राज्य सरकार ने मटिया बाग हवा महल का अधिग्रहण जो है वो किया है? तो कौन सी राज्य सरकार है जहाँ पे मटिया बाग हवा महल का अधिग्रहण किया गया है? नागालैंड, मणिपुर, आसाम, मेघालय। तो आसाम है, आसाम राज्य सरकार ने मटिया बाग हवा महल का अधिग्रहण किया है। देश में बेरोजगारी दर सितंबर में बढ़कर कितने प्रतिशत पहुंच गई है? 8.5%, 8.6%, 8.28%। तो इसका सही जवाब है 8.3, इट शुड बी, मिस्टेकनली आई एम नॉट गिवन दैट ऑप्शन।
तो मैंने ये गलती से ऑप्शन ही नहीं दियो, तो एक्चुअली कुल प्रतिशत जो है 8.3% पहुंच गई है बेरोजगारी का दर। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, 16 क्वेश्चंस मैंने दिए हैं इस वीडियो में। तो दोस्तों डेली क्वेश्चंस मैं अपलोड करती हूँ, प्लीज़ आप मेरा चैनल जो है सब्सक्राइब कर देना, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना मेरा चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल।